यूं तो मध्य प्रदेश पुलिस के ना जाने कितने कारनामे आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन पुलिस ने तो मानो ठान ली है अपने कारनामों की लंबी फहरिस्त तैयार करने की। एक और बेइंतहा लापरवाही का मामला सामने आया ग्वालियर से, जहां एक जिंदा शख्स को मरा मानकर उसके परिजनों को थाने बुला लिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल दुरुस्त हालत में नजर आ रहे इस शख्स को देखकर क्या आप सोचेंगे कि ये जिंदा नहीं है? मुमकिन है आप कहेंगे भला ये क्या मजाक है, आखिर चल फिर रहा शख्स, अच्छी भली बातें करता शख्स जिंदा कैसे नहीं हो सकता है? तो जनाब ये मजाक हम नहीं ग्वालियर पुलिस ने की है। पूरा माजरा समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। पुलिस की गिरफ्त में बदहवास से नजर आ रहे इस शख्स की मौत हो चुकी है। गुरुवार को गाड़ी चुराने के आरोप में झांसी रोड थाने की पुलिस इसे पकड़ कर लाई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद इस शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में ही मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बता दिया, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहे, लेकिन पुलिस ने तो मानो ठान ली थी अपनी लापरवाही की मिसाल कायम करने की। आनन फानन में पुलिस ने आरोपी शख्स के पास मिले वोटर आईडी कार्ड के आधार पर शिनाख्त की कार्रवाई की और आरोपी का नाम एफआईआर में भितरवार निवासी दिनेश जाटव बता दिया और दिनेश जाटव के पिता को बुलावा भेज दिया। जब दिनेश जाटव के पिता शिनाख्त के लिए पहुंचे तो पुलिस की बेइंतहा लापरवाही की पूरी कहानी सामने आ गई। जिस दिनेश जाटव को पुलिस आरोपी चोर मानकर मरा हुआ मान चुकी थी, वो खुद जिंदा थाने पहुंच गया। सर मैं तो गांव में था सर, मुझे पता नहीं है, मेरे पापा जी को पुलिस बुलाने गई थी कि आपका बच्चा मतलब ऐसे ऐसे खत्म हो गया है, तो इनको बुलाने यहाँ लाए थे ग्वालियर दिखाने के लिए। पापा जी ने बोला कि मेरा बच्चा नहीं है ये। मैं झांसी रोड थाने ग्वालियर आया, बस वहाँ बोले आपके बच्चे की आईडी निकली है जो मरा है उसकी जेब में, मेरी पहचान करवाई, इस फोटो को पहचानते हो क्या आप? मैंने सर जी मेरे बच्चे की फोटो है नहीं है, मेरा बच्चा तो घर पे है। जांच की गई तो पता चला कि मृतक आरोपी चोर का नाम राहुल करोसिया है और उसके पास बरामद वोटर आईडी दिनेश जाटव का था जो एक महीने पहले चोरी हो चुका था। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस को वोटर आईडी में दर्ज तस्वीर नजर नहीं आई? सवाल का जवाब बेतु की दलीलों से भरा मिला। वहीं चंद पुलिस वालों को सस्पेंड कर पूरे मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। मैच नहीं किया, इतनी जल्दी फेटअप फोटो होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक वाले होते हैं, तो उनसे इतना समझ में नहीं आता। प्रधान आरक्षक बद्री प्रसाद और संतरी पहरे पे था सत्येंद्र राजावत, इनको निलंबित किया गया। बेतुकी दलीलों और बेशर्मी से पुलिस खुद को बचाने में जुट गई है, लेकिन मुमकिन है कि पुलिस की लापरवाही के चलते दिनेश जाटव को जिंदा होते हुए भी सरकारी कागजों में जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।